Active passive voice. है एक्टिव पैसिव वॉइस ठीक है एक्टिव पैसिव पैसि तो यह है चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलिंग ही हैज नॉट बीटन द डॉग ठीक है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है मैंने पहले भी आपको बताया जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो उसके साथ हैज के बाद आपकी थर्ड फॉर्म उसके बाद बिन का इस्तेमाल आएगा यानी हैज के बाद वो अपनी थर्ड फॉर्म है उसके साथ बिन का इस्तेमाल होगा ही हैज नॉट बीटन द डॉग द डॉग हैज नॉट बिन बीटन बाई द बाई हर और शी जो है वो ऊपर सब्जेक्ट में शी ये सब्जेक्टिव केस है जब शी जो है ऑब्जेक्ट में आएगी तो हर हो जाएगी ठीक है यानी शी हैज नॉट बीटन द डॉग द डॉग हैज नॉट बीटन बाई हर ठीक है तो ये प्रेजेंट टेंस है जब प्रेजेंट टेंस होगा तो हैज या हैव के बाद वर्क की थर्ड फॉर्म आएगी उसके बाद बिन का इस्तेमाल आएगा ठीक है तो आगे चलते हैं दे आर बाइंग दिस हाउस आई एन डी है तो फिर क्या होगा दिस हाउस ये दिस जो है ना दिस हाउस ये ऑब्जेक्ट में चले जाएगा दिस हाउस इज बींग बोर्ड बाई देम दिस हाउस इज बींग बॉन्ड बाई देम ठीक हो गया यानी दे आर बाइंग दिस हाउस ठीक हो गया दे आर बाइंग दिस हाउस अब ये है प्रेगनेंट कंटिन्यूटेंस इसका हम पैसिवाइज करेंगे तो ये दिस हाउस जो है पहले आ जाएगा ये ऑब्जेक्ट में है जो सब्जेक्ट में आ जाएगा दिस हाउस इज बींग बॉट बाय देम तो देम इसलिए आएगा क्योंकि सब्जेक्ट में दे है अगला हम करते हैं she was teaching the student ठीक हो गया द स्टूडेंट अब चूँकि स्टूडेंट ज़्यादा हैं यानी ऑब्जेक्ट में देखें तो स्टूडेंट्स हैं अगर ये ज़्यादा हैं तो दूडेंट वर आएगा वाज नहीं आएगा द स्टूडेंट वर बींग टॉट बाई हर चूँकि शी वाज टीचिंग है आई एन डी फॉर्म है वाज है ठीक है जब हम इसको वाज टीचिंग जो है इसको जब हम पैसि बदलेंगे तो वर या वाज के बाद हम बींग का इस्तेमाल करेंगे उसके बाद वो आपकी थॉट फॉर्म आएगी द स्टूडेंट ये फिर इस तरह होगा द स्टूडेंट बीइंग टॉट बाई हर और अगला है आई वॉज गिवन द फिल्म बाई हर अब देखें ये हर जो है जब ये सब्जेक्ट में आएगा ये छी बन जाएगा आई वॉज गिवन फाइव फिल्म बाई हर ये पैसिव है इसका अब हमने एक्टिव बनाना है शी गेव मी फाइव फिल्म ठीक है यानी ये पहला है जो हमने किया आई वॉज गिवन फाइव फिल्म बाई हर तो जब हम इसको ऑब्जेक्ट में ले आएंगे तो हर जो है शी में बदल जाएगी शी गेव मी फाइव फिल्म ये सब्जेक्टिव है यानी ये एक्टिव वाइज है पैसे वाइज नहीं है पैसे वाइज जो पहला को है आई वॉज गिवन फाइव फिल्म बाई हर ये पैसिव वाइज है और इसको एक्टिव में कर कर कन्वर्ट करने के लिए हम हर जो है वो शी लगाएंगे सब्जेक्टिव के लगाएंगे शी गे मी फाइव फिल्म और अगला है नथिंग हैड बीन गेन बाय देम अब जो देम है ये ऑब्जेक्ट में है जब वो ये सब्जेक्ट में आ जाएगा तो दे हो जाएगा दे हैड गेन नथिंग अब मैं दोबारा बोलता हूँ नथिंग हैड बीन गेन बाय देम तो इसका जो जो इसका जो एक्टिवाइज है वो बनेगा दे हैड गेन नथिंग नथिंग हैड बीन गेन बाय देम ये पैसिवाइज है अब इसको एक्टिवाइज में बदलना है दे हैड गेन नथिंग